कुवारी मरिया का निष्कलंक गर्भागमन। संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि के पश्चात आदम और हेवा अदन वाटिका में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु शैतान के बहकावे में आने के कारण हेवा के मन में अहंकार छा गया। इस कारण उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे संसार में पाप का आगमन हो गया तथा आदिकाल से मानव पाप के दलदल में डूबा रहा। मानव के इस पतन के कारण परमपिता परमेश्वर को तरस आया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मानव जाति को मुक्ति दिलाने हेतु वो एक मुक्तिदाता को इस संसार में भेजेंगे। इस मानव मुक्ति योजना हेतु करुणा सागर पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि शरीर धारण के पहले पूर्व नियोजित क्रीस्त की माता स्वतंत्रता पूर्वक इस पावन कार्य को स्वीकार करे, क्योंकि ये उचित था कि जैसे एक स्त्री हेवा ने इस संसार में मृत्यु लाने में हाथ बटाया, उसी प्रकार दूसरी स्त्री मरिया उसे पुनः जीवन प्रदान करने में सहयोग दे। ये उत्कृष्ट रूप से येसु की माता मरिया में हुआ, जिन्होंने इस संसार के सृष्टिकर्ता एवं जीवनदाता को जन्म दिया और वो इस महान कार्य हेतु परमेश्वर की ओर से सब वरदानों से संपन्न हुई। इस कारण कलीसिया मरिया को ईश की माता तथा निष्कलंक मानती है। मरिया सचमुच पवित्र आत्मा के द्वारा सुसज्जित तथा एक नई सृष्टि की तरह निर्मित की गई। अपने गर्भागमन के प्रथम क्षण से अनुपम पवित्रता की शोभा से सुसज्जित नाजरेत की वो कन्या परमेश्वर के नाम पर एक स्वर्दूत द्वारा कृपापूर्ण घोषित की गई। समय बीतता गया, सदियां बीत गईं। फिर स्वयं माता मरिया ने फ्रांस देश में संत बेनाडेट को एक दिन दर्शन देकर घोषणा की कि वो सचमुच निष्कलंक पाप रहित कुवारी हैं। 8 दिसंबर को हम माता मरिया के निष्कलंक गर्भाधान का पर्व मनाते हैं। माता मरिया ईश्वर की महिमा गाते हुए कहती है, प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी। परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार जन्म के पहले से ही मुझे चुन लिया है और अपने निवास स्थान में ले आया। सृष्टि के पहले से ही मैं ईश्वर के मन में थी। मेरा मन मेरे ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि मुझ जैसी दीन दासी पर ईश्वर ने महान कृपा की है। पवित्र कैथोलिक कलीसिया ने प्रारंभ से ही येसु की पवित्र माता निष्कलंक कुवारी पर श्रद्धा रख सदैव माँ को सम्मान दिया। जब येसु की पवित्र माँ निष्कलंक कुवारी माता मरिया की शुद्धता पवित्रता एवं कुवारापन की पाखंडियों द्वारा आलोचना की गई, तो कैथोलिक कलीसिया द्वारा उसका जोरदार खंडन किया गया। अपनी निष्कलंक माँ के प्रति दृढ़ विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए 8 दिसंबर 1854 को संत पापा पियूस 9वें ने रोम में एक बैठक का आयोजन किया। विश्व के सब धर्माध्यक्षों की उपस्थिति में इस विषय पर लगातार प्रार्थना और मनन चिंतन हुआ।
तब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से संत पिता ने यह घोषणा की, माता मरिया अपने परम प्रिय पुत्र येसु क्रिस्त के पुण्य फलों द्वारा आदि पाप रहित अपनी माता के गर्भ में धारण की गई, अतः ये जीवन भर निष्पाप निष्कलंक रहीं। यह सिद्धांत कैथोलिक कलीसिया में महत्वपूर्ण है, जिसे कलीसिया अटूट विश्वास से मानती चली आ रही है। अपनी आत्मा को निष्कलंक मातिया मरिया की आत्मा के समान सदैव निर्मल एवं स्वच्छ तथा पवित्र रखने का प्रयास करते रहें, अपने जीवन में परिवर्तन लावें तथा अपनी प्रार्थनाओं द्वारा माता मरिया तथा ईश्वर से निकट संपर्क बनाए रखें। इस प्रकार आत्मा सदैव निर्मल बनी रहेगी। माता मरिया की कुछ तस्वीरों में अक्सर देखा जाता है कि निष्कलंक माता पृथ्वी पर खड़ी होकर सांप शैतान का सिर कुचल रही है। इस प्रकार वो सब शत्रुओं से हमारी रक्षा करती रहेगी यदि हम सदैव उसकी शरण में बने रहेंगे। दृष्टांत, संत जॉन बर्कमंस मरिया के निष्कलंक गर्भागमन पर मनन चिंतन किया करता था। बाल्यावस्था से ही यह उसका नियम बन गया था, फलस्वरूप उसे ईश्वरीय बुलाहट प्राप्त हुई। उसने स्वयं का जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित किया। उसकी आत्मा की सुंदरता उसके मुखमंडल पर झलकती थी। वो मरिया का परम भक्त था। उसने अपने खून से ये लिख दिया था कि ईश्वर ने धन्य माता मरिया को निष्कलंक जन्म दिया है। माता मरिया उसकी श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने भक्त को तुरंत स्वर्ग में बुला ली। मृत्यु के समय भी वो रोजरी माला हाथों में थामे हुए तथा प्रार्थना करते हुए उसने अपनी आत्मा माता मरिया के कर कमलों में सौंप दी। अभ्यास, अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं प्रतिदिन दोहराएं। पवित्र एवं निर्मल आचरण बनाए रखने का प्रयास करें। माता मरिया हमारी सहायता कर। प्रार्थना, मेरे जीवन के शक्ति स्वरूप प्रभु येसु, तू जीवन भर मेरा हाथ थाम कर मेरे जीवन का संचालन करता है। परमपिता ने मुझे जता दिया है कि तेरा हाथ ग्रहण करने से ही मेरी उन्नति होगी। भले प्रभु तेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कृपा इस संसार की अपनी समस्त संतानों को दे। माता मरिया हमारी सहायता करें।